सातवीं डिजिटल मर्दमशुमारी का कल आखिरी रोज़ सूबा सिंध की आबादी 18% इजाफे से 5,65,47,549 अफराद तक पहुँच गई। कराची की आबादी 16.85% इजाफे से 1,87,00,000 से तजावज कर गई। 80,67,035 नफूस तक पहुँच गई। 99,20,269 मर्द और 88,02,176 खवातीन शामिल। हैदराबाद डिवीजन की आबादी 14.68% इजाफे से 1,21,51,942 नफूस तक पहुँच गई। 9 मई वाकयात के मंसूबा सासों हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक बता दिया, कहा अमनो इस्तेहकाम का अमल सबोताज करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी सूरतेहाल और इंसदाद दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग दी गई। जिना हाउस जलाने वालों को 72 घंटे में गिरफ्तार किया जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेडलाइन दे दी। कहा कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वालों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म का जिना हाउस लाहौर का दौरा, अस्करी क़यादत से मुलाकात, इजहार यकजहती किया। इमरान खान का जलाओ घेराव पर अदालती तहकीकात का मुतालबा, कहा सरकारी इमारतें जलाने की अदालती तहकीकात कराई जाएं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपनी सरबराही में तफ्तीश कराएं, हमें जब भी इश्तियाल दिलाया गया हम पुरम रहे। नामालूम अफराद लोगों को इश्तियाल अंगेजी का कह रहे थे, ये लोग इश्तियाल दिला दे रहे कि कैंटोनमेंट में चले। वज़ीरे तलाक मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान को एतराफ़े जुर्म करार दे दिया। कहती हैं हसास तनसीबात इमारतों पर हमले के पीछे इमरान और उसकी मनसूबाबंदी है। इसने बार बार कहा कि मैं गिरफ्तार हुआ तो हमला करना है। ऐवान सदर में कोई खुफिया मुलाकात नहीं हो रही, इसलिए बार बार आर्मी चीफ और DGISPR को पुकारा जा रहा है। वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला का PTI पर पाबंदी का इंदिया, कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, शरपसंदों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अदलिया इमरान खान को NRO दे रही है। PTI और BJP का बयानिया एक ही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कराची में जलसायाम से खिताब, कहा इत्तेहादियों को इमरान खान से मुज़ाकरात पर आमादा किया, लेकिन अब दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? सियासत करनी है तो PTI के सियासी लोगों को अलहदा होना पड़ेगा। और लाहौर बोर्ड ने नवी जमात के इम्तिहानात का नया शेड्यूल जारी कर दिया, प्रैक्टिकल्स की तारीखें भी तब्दील, दोबारा इम्तिहानात अब 17 मई से होंगे।